तो सिंपल पेंडुलम क्या है? इज अ आइडियलाइज्ड बॉडी. स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है. लाइट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है. अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जिसमें टाइम पीरियड निकालना था, कि भी पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं. वो ऑलरेडी है. इक्विलिब्रियम क्या है? इसके बाद क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन इन ऑर्डर टू जनरेट द रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहां पे लेंथ एल लिख दिया एंड मास इज एम, और इसको डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है, थीटा एंगल पे, ठीक है ना. तो अगर थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कराया तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जहां पे की फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको माइनस के एक्स जैसा दिखना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, थीटा को बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा. थीटा जो है ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, लाइक 5 डिग्री 6 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से, ठीक है. जब हम लोग थीटा पे इसको डिस्प्लेस कराते हैं, एम जी तो लग रहा होगा किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिख दिया, ठीक है. इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप देखोगे ये जो लेंथ है ना, ये जो हमने आर्क जो दिख रहा है आपको, इस आर्क का जो लेंथ आएगा वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल. अगर किसी सर्कुलर पाथ पे जाएं और आर्क का बहुत छोटा सा पार्ट ले ले तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा. तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है और अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो ये क्या आएगा, इस तरफ आएगा. क्यों आएगा वो सभी कुछ देख लेते हैं. तो इस फोर्स को रिजॉल्व करते जाते हैं हम लोग. तो देखिए एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, तो इसको क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा. और एक फोर्स इस तरफ आएगा जो क्या होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है. तो एम जी के दोनों कॉम्पोनेंट हमने लिख दिए, एम जी कॉस थीटा एज वेल एज एम जी साइन थीटा. तो अगर आप देखोगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है उसकी वजह से, किसकी वजह से, mg cos थीटा की वजह से, मतलब अलोंग दिस लाइन नेट फोर्स जीरो है, बिकॉज t इज इक्वल टू mg cos थीटा. लेकिन अलोंग दिस लाइन देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज mg sin थीटा. तो इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा लिख सकते हैं. अब अगर इस assumptions पे ध्यान दो, इस consideration पे ध्यान दो कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये क्या होगा, बहुत क्लोज होगा. तो ये जो फोर्स है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन आ गया, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मतलब उस बॉडी को वापस खींच करके कहां ला रहा है, उस स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास, ठीक है. तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं. कोई दिक्कत है किसी को इसमें, ठीक है. और अगर इसको थीटा लिख दिया और इस लेंथ को मैं एक्स एज्यूम करता हूं, इस लेंथ को मैंने क्या किया x, ये मैंने साइज ज्यादा दिखाया हुआ, ये बहुत छोटा एंगल है तो ये x ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जैसा दिख जाएगा, ठीक है. तो अगर आप इसमें जाएं तो ये लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिख सकते हैं, रेडियस इनटू थीटा. लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिख सकते हैं, रेडियस इनटू थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एल इनटू थीटा. तो थीटा को क्या लिख दोगे आप, थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एल, ठीक है. तो अगर यहां से देखेंगे आप, एफ कितना आ गया, एम जी एक्स अपॉन एल, एम जी एक्स अपॉन एल. यहां तक समझ आ रहा है. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो था वो इस तरफ था, ये इक्विलिब्रियम में बॉडी यहां पे था, आपने इसको क्या किया, इस तरफ डिस्प्लेस करा के रिलीज किया. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और जो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स आया उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में आया. तो अगर मैं माइनस लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं, माइनस लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है. तो अब अगर आप देखोगे तो जो फोर्स आया है ये कैसा दिख रहा है आपको, mg अपॉन l इनटू x. अब ये कांस्टेंट है, मतलब वो SHM वाला आ गया, वो SHM वाली कहानी आ गई भी, जहां पे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. कैसे लिख दे, यहां तक सबके समझ आ रहा है, ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो अब मैं एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एल अपॉन एम, तो एम एम कैंसिल हो गया, जी अपॉन एल एक्स लिख सकते. क्यों ऐसा लिखा, यहां तक समझ आ रहा है भाई, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको क्या लिखेंगे, मास इनटू
एक्सेलरेशन, तो ए इतना आ गया। अब आखिरी स्टेप क्या था, जब टाइम पीरियड निकालने का मैंने बताया था, पहला फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन इन ऑर्डर टू क्रिएट जनरेट द रीस्टोरिंग फोर्स, देन क्या हो गया, अगर एफ माइनस के एक्स आता है तो आप एक्सेलरेशन निकालो और उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन से कंपेयर करो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर यहां से कंपेयर करते हो आप, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर गोज टू जी बाई एल, तो ये ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अगर ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है तो ओमेगा निकाल लोगे कितना, रूट जी बाय एल, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई बाय ओमेगा, तो क्या लिखेंगे आप, टू पाई रूट एल बाय जी। ओके, समझ आ रहा है? तो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, इस आइडियलाइज्ड बॉडी की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई रूट एल बाय जी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? अब इसमें देखते हैं थोड़ा प्रॉब्लम के हिसाब से कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स आगे मिल सकते हैं। इन सब में मास का क्या रोल है, इंडिपेंडेंट, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर मैं इसको लिफ्ट में डाल दो जिसका कुछ एक्सेलरेशन है तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी सोच लेते हैं हम लोग। तो यहां तक सबके समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इसके डिफरेंट सिचुएशंस जो होने हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है, अब ये मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है विद सम एक्सेलरेशन, ये मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ विद ए नॉट, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ ए नॉट, तो क्या हो जाएगा, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो अगर मैं एफबीडी पे ध्यान दूंगा और इस फ्रेम में आ जाऊंगा, इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो एमजी के साथ एक एक्स्ट्रा एम ए नॉट आ जाएगा सोडो फोर्स के जैसा, जी के साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, तो मतलब एमजी इंक्रीज हो गया, नाउ इट इज एमजी प्लस एम ए। अगर यही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो यही क्या होगा, ऊपर फोर्स लग जाएगा, तो क्या होगा, एमजी माइनस एम ए नॉट। ठीक है, तो मतलब अगर नेट इफेक्टिव जी चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जनरल फॉर्मूला अगर इस तरह से लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो टाइम पीरियड को आप ऐसा लिख सकते, टू पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो सोडो फोर्स क्या करेगा, एमजी के इफेक्ट को इंक्रीज करा देगा, इनफेक्ट इस तरफ नेट फोर्स बढ़ जाएगा, तो मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा। तो यहां से भी देख सकते हैं, जी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़नी है, जी इफेक्टिव जैसे जैसे इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग जी इफेक्टिव लिख सकते हैं। अब ये जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ लॉस ऑफ मोशन में, फिर भी एक बार देख लीजिए, अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ए नॉट प्लस जी। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव जी माइनस ए नॉट, लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, तो किस तरह से कैसे लिख दिया यहां तक पता लग गया, अगर इसका फ्री फॉल हो जाए तो जी इफेक्टिव जीरो, अगर इसका फ्री फॉल हो जाए तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब उसको वहां तक ले जाएंगे तो वो उधर ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा, तो मैथ्स के हिसाब से वो वापस नहीं आएगा, तो लिखना है तो क्या लिखे, इनफिनिटी लिख देंगे। ठीक है, यहां तक सबके समझ आ गया। अब अगर एक्स पे एक्सेलरेट करा दे उस बॉक्स को जिसमें पेंडुलम है तो क्या डिफरेंसेस आने हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो यहां तक सबके समझ आ गया, अब ये है, अब मान लो इस बॉक्स को हमने एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेट करा दिया विथ ए नॉट, अब क्या होगा, अगर बॉक्स के फ्रेम में आप हैं, अब बॉक्स के फ्रेम में बैठ जाओ तो क्या होगा, इस पे सोडो फोर्स बैकवर्ड आएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम होगा, अगर इस फ्रेम से देखें तो ये इसका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये एम इंटू ए नॉट और ये क्या एम जी,
ये अब इसका इक्विलिब्रियम है। तो अब अगर इसको फर्दर इसको ऑसिलेट कराना है अगर, तो अब ये यहां पे इस पॉइंट के अबाउट ऐसा ऑसिलेट होगा, बात समझ आ रहा है। और जी इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जो एक्चुअल जो जी इफेक्टिव है जो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है वो इधर आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों फोर्स का रिजल्ट है दोनों 90 पे। तो अब देखो अगर एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेट करा तो दो चीजें चेंज हुई, जी इफेक्टिव तो अलग आया ही आया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट होता था वो ऐसा ऑसिलेट होता था, अब वो क्या हुआ थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, अब वो इसके अबाउट ऐसा ऑसिलेट कर रहा होगा, समझ आ रहा है। तो अब अगर यहां से देखें तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ना रहा है तो जी इफेक्टिव आपको अच्छे से आता है, लॉज ऑफ मोशन में किया हुआ है, ये हो जाएगा। तो अगर x पे आपने एक्सेलरेट करा दिया हुआ है तो क्या चेंजेज आने, ये समझ आ गया, लिख सकते हैं ना। तो अब इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स रख दे उसको एक्सेलरेट करा दे तो क्या होना है, कैसा लिख सकते हैं, वो सब कुछ समझ आ रहा है सबको। तो यहां तक पता लग गया सबको, तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है ये पता लग गया, एक आइडियलाइज्ड बॉडी है। आइडियलाइज्ड बॉडी कहने का मतलब मासलेस स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड पॉइंट मास, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सिंपल पेंडुलम। यहां तक समझ आया। तो जो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो अवेलेबल होगा पेंडुलम वो सभी फिजिकल पेंडुलम बन जाएगा, इसके तुरंत बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिजिकल पेंडुलम, तो उसके हिसाब से देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।